कहते हैं एक बहुत ही अच्छी एक बहुत ही खास चीज है दोस्तों। इसके गाड़ी के पीछे देखो यहाँ पर क्या चीज रखी, ये वो है मिट्टी चढ़ाने का दोस्तों। इसको स्वराज वो 717 छोटे छोटे ट्रैक्टर खरीदते हैं 4x2। और दोस्तों ये और बड़े बड़े मिट्टी चढ़ाने का है, उनमें बड़े बड़े ट्रैक्टर भी रख जा, जो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों यहाँ दूसरा इसका मेन ये रखवा के लाए थे चाचू, तो कहाँ से बनवाया आयो? यो भाई यो बना नंगल सुक्की। हाँ जी कहाँ पे है यो? यो हरिद्वार हाईवे पे है, जो अपना बिजनौर से सीधा हाईवे जा रहा ना, बिजनौर से हरिद्वार रोड जो है उस पे पड़ेगा, जो मनावर से होते हुए आगे जो चली जा रोड उस पे। हाँ जी नंगल सुक्की दोस्तों यो बनवाए, उसके ऊपर का मेन मुंह है दोस्तों, इस पर पेंट नहीं कराया, उनके वहाँ पेंट की सुविधा नहीं है, पेंट नहीं कराया, पेंट तो हम अपने हिसाब से करेंगे बहुत लगता, मगर तो दोस्तों फिर टाइम बहुत लगता, हम करेंगे अपने हिसाब से इस पर पेंट। और दोस्तों ये ऐसे यहाँ से लग जाए, इधर से एडजस्ट भी हो जाता है, इस ट्रैक्टर के लिए है ये सारे काम हो रहे हैं। अब हमारे पास 4 उपकरण हो गए, 1 2 3 4, यो तो लगी ना रहा उपकरण से भी ना जुड़ो दोस्तों। पिन तो हमारे रखी, पिन विन तो घेर दूंगा मैं, मिलेंगे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, पापा वीडियो बना रहे हैं, मैंने मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मेरे घरों को ये मेरे ट्रैक्टर की खतर चीज आई और वो ऐसे खुली पड़ी रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैंने इसको देखो, मैंने और पापा ने इसको असेंबल करा दिया दोस्तों। ये नीचे वाला हिस्सा जो है अंसी ने यहाँ जुड़वा दिया इसमें, अरे सेंटर में ही आ गया। ये देखो जी, ये 4 बोल्ट लगा दिए हैं, मजबूत है जी काफी, हैंडल देखो कितनी मोटी है, ये देखो बहुत ही मजबूत बनी हुई है। और सेम वही है जो झोटे बैलों पर पंखड़ी चलती थी, उसी को जो है बड़ा, वो इतनी छोटी रहती थी, तो ये उस समय वो मान लो कि 3 गुनी बड़ी है उससे। और इसके आप देखिए एक चीज और दिखाओ खासियत, ये देखो यो है मेन चीज, इसकी पनस बना रखी है जी। और यो देखो सामने बहुत मोटी जो है ये फाली बना रखी है, बहुत मोटी है, मतलब इससे ये भी देखो काफी मोटी है, और ये इतनी हैवी है और धार इतनी ज्यादा बना रखी है इसमें पीठ के लोहार ने, कि ये देखो नीचे 4 बोल्ट लगा रखे हैं इसमें, और इसे जो है आगे से धार देखो कैसी बना रखी है, ऐसी धार है कि इससे खूब आराम से कपड़ा या कुछ भी कट जाएगा, ये जो है जड़ वड़ को आराम से काट देगी। सेटिंग देखो जी, ये गोला यहाँ ली है तो ये बहुत ही शानदार देखो, और ये चीज दूर से भी। अब दोस्तों इस पर कल जो है प्राइमर करेंगे जी, और ये देखो दोनों साइड से ये भी इसकी कहीं ना भागे, बहुत बढ़िया। और बात आपको अंश बताएंगे दोस्तों, पापा ने भी मेरी बहुत मदद करी है, नहीं असेंबल नहीं हो पाती। पापा बताओ कैसी लगी? बहुत बढ़िया, उन बड़े तामझामों से तो ये बढ़िया। दरअसल चक्कर क्या है, सभी ने सामान सबने अच्छे बना रखे अपने हिसाब से, लेकिन जितने पुराने टाइम से इनके जो है पंखड़ी का जो नाम है और जो ढड़ाई है और लोड नहीं डालती बिल्कुल भी, इसे जो है बड़े आराम से एक झोटा भी खींच लेगा। हाँ बड़े से साइज का झोटा इसे बड़े आराम से चला देगा, क्योंकि इसकी ढलाई बहुत अच्छी है। जो देखो दोस्तों ढलाई इसी हिसाब से, अगर यहाँ से मट्टी उठाई ना आराम से इधर फेंक देगी, बहुत अच्छी ढलाई है। और ऐसी भी नहीं अगर ज्यादा मट्टी फंस जा, और देखो यहाँ से भी एडजस्टेबल है, ऊपर टोपलिंग लगा सको नीचे टोपलिंग लगा सको। और ये सिस्टम देखो इसका कितना अच्छा, पहले तो यो वो प्लान था कि दोस्तों इसका नीचे का लेंगे, ऊपर के बोल्ट टीलर के खोल लेंगे। चलो अभी इसे उठा के उधर रखते हैं दोस्तों, इसे थोड़ा सा उधर को रखवाते हैं, क्योंकि ये गेट के पास में आ रही है, गेट वेट खुलता है इसका, देखते हैं हम। चलो इसे ट्रेंचर के पास में रख देंगे। अब हमारे पास ट्रैक्टर आ गया, रूटावेटर हो गया हमारे पास, ट्रेंचर है। हमें ज्यादा दिक्कत थी मिट्टी चढ़ाने की। हाँ जी जुताई की और मिट्टी चढ़ाने की, जुताई का भी हो जाता था, खैर कर लेते हैं, जुताई करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मिट्टी चढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। फावड़े से भी इतनी तकड़ी मिट्टी नहीं चढ़ पाती, हमने चढ़ाई है 2 साल तक फावड़े से, लेकिन इतनी बढ़िया नहीं चढ़ पाती, नहीं चढ़ पाती, ट्रैक्टर फेल हो जाएगा। और दोस्तों इतनी बढ़िया चीज हैगी ये देखो, बिल्कुल अच्छे से बनाने वाले भी ने भी इसमें बिल्कुल भी थोड़ी पत्ती सी नहीं छोड़ दी, बिल्कुल अच्छे से घिस के बनाई,
दोस्तों बहुत ही अच्छी, बस हमें इसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा। जुड़ के लगी कोई उपकरण सा रखा, पहले तो मुझे दोस्तों नू लग रहा था, पहले तो दोस्तों मुझे नू लग रहा था, इसमें सामने डग्गा लगाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, बस दोस्तों इसके आगे की फाली का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, मैं फाली पर किसी का पैर ना लग जाओ। दोस्तों जिस दिन ट्रैक्टर पर चलेगी आपको सब कुछ ही दिखाएंगे, ये तो बहुत अच्छी होगी, एक नया उपकरण हमारी टीम में और नया आ गया। दोस्तों अब दिखाएंगे, पेंट तो इस पर हो नहीं रहा, पेंट करेंगे कल को। चलो दोस्तों मिलेंगे तो बाद कल को, दोस्तों मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो कई दिन हो गए थे इसे लाए हुए को, एक तो ये देखो गेटों पे पेंट करा दिया, और इसको देखो आखिरकार पेंट कर दिया इस पर, प्राइमर की सोच रहे थे इस पर पेंट ही कर दिया, बहुत ही अच्छे होगी। ओके बाय।